अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप कैसे हो? आप लोग देख सकते हो पीछे मेरा, यहाँ पर देख सकते हो कि एक एसटीसी बस है और पीछे हमारा स्कूल देख सकते हो, आलू नेशनल स्कूल। तो इस स्कूल की तरफ से आज हम जाने वाले हैं करीमगंज में, एक जो पॉपुलर टी गार्डन है प्रमोद नगर टी गार्डन, तो उसमें आज हम जाने वाले हैं। तो हम तो जाएंगे, जाने के बाद वहाँ पे कुछ घंटे बिताएंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ मिनटों के अंदर अंदर पूरा जो सफ़र करेंगे हम, उसका पूरा वीडियो आप लोगों को इस चैनल में मिल जाएगा। तो पहले बता देते हैं, ये जो वीडियो है ये बहुत सारे हैंडल्स में यहाँ पर अपलोड होगा। जैसे कि ये जो वीडियो है मैं भी अपलोड करूँगा मेरे यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पेज है उस पर अपलोड करूँगा। उसके अलावा अपलोड होगा जो हमारे जो ये अल्लू नेशनल स्कूल के जो सेक्रेटरी है, तो उनके भी यहाँ पर यूट्यूब चैनल हो या उनका जो फेसबुक अकाउंट है, तो उसमें भी अपलोड होगा। तो सारा कुछ इन्फॉर्मेशन दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दूंगा। तो ये ब्लॉग जो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसको आप लोग शुरू से लेके एंड तक ज़रूर से देखते रहना, और देखने के बाद आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कि हमारे सामने यहाँ पर एसटीसी का बस आ चुका है, और पीछे हमारा स्कूल देख सकते हो, इतना बड़ा स्कूल देख सकते हो, अल्लूर नेशनल स्कूल, और ये सदराशी में बसा हुआ है। तो इस स्कूल की तरफ से हम यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट्स एक साथ मिल के यहाँ पर एक एजुकेशन ट्रिप में जाने वाले हैं। तो आप लोगों को जो दोस्तों इसका पूरा आनंद मिलेगा। तो आज हम जा रहे हैं अल्लू नेशनल स्कूल की तरफ से प्रमोद नगर टी गार्डन में एक एजुकेशनल ट्रिप पे। तो आज यहाँ पर कैमरे के सामने हमारे जो स्कूल का सेक्रेटरी है, तो उनसे पूछूंगा उसके बारे में कुछ बोलने के लिए। सर, कुछ बोलिए। द मोस्ट अवेटेड एजुकेशनल ट्रिप था, बहुत प्लानिंग हुआ, सब कुछ हुआ, उसके बाद हमने प्रमोद नगर चूज किया। हमारा मेन मकसद ये है कि बच्चों को सिर्फ क्लासरूम के अंदर कन्फाइन करके शिक्षा नहीं देना चाहिए, उनको एक्सपोजर भी चाहिए, और इस एक्सपोजर के लिए वी हैव चूजन दिस टी गार्डन। विल सी हाउ टी लीव्स आर एक्सट्रैक्टेड एंड हाउ इन द इंडस्ट्री टीज आर प्रोड्यूस्ड। द स्टूडेंट विल गेट अ वाइड वेराइटी टू लर्न द टी प्रोडक्शन, कल्टिवेशन, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हाउ दे आर सेंट इन टू मार्केट। मैं आशा करता हूँ कि ये ट्रिप सफल रहे, सुस्त रहे, और सब बहुत सारा एंजॉय करें। थैंक यू सर। फाइनली दोस्तों हम पिकनिक का जो स्पॉट है उसमें आ चुके हैं। तो पीछे यहाँ पर देख सकते हो हमारे स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, स्टाफ है, टीचर्स है, तो यहाँ पर देख सकते हो पीछे पूरा नज़ारा देख सकते हो प्रमोद नगर टी गार्डन का। तो अभी हम यहाँ पर 10 मिनट हुआ है हम आके पहुँचे हैं, और आगे बहुत सारा आप लोगों को इस वीडियो में देखना है। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेके एंड तक ज़रूर से देखते रहना, आगे आप लोगों को बहुत सारा चीज़ें दिखाऊंगा। यहाँ पर ऊपर में देख सकते हो हमारे वो जो स्टूडेंट्स है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, उसके बाद यहाँ पर भी आके बैठे हैं सारा इकट्ठा, उसके बाद अभी घूमने जाएंगे। अभी यहाँ पर देख सकते हो कि स्टूडेंट्स को यहाँ पर ब्रेकफास्ट दिया गया है, जैसे कि अंडा है, केक है, तो यहाँ पर एक एक करके सारों को दिया गया है, और अभी यहाँ पर कुक भी यहाँ पर, तो अभी ये ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद घूमने जाएंगे। यहाँ पर जो देख सकते हो पीछे बहुत सारे अच्छे अच्छे जो टी गार्डन है, तो उनको यहाँ पर देखने जाएंगे।
फाइनली दोस्तों देख सकते हो कि हम घूमने के लिए निकल चुके हैं और यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर पीछे टी गार्डन देख सकते हो। तो यहाँ पर हमारे स्कूल के जो बॉय स्टूडेंट है तो वो ये यहाँ पर है और उसके बाद इधर से हमारे जो स्कूल के जो गर्ल्स स्टूडेंट्स है वो गए हैं। तो मैं भी उधर ऊपर उठने वाला हूँ, तो एक एक करके सारा कुछ आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊंगा। और पीछे का जो नज़ारा है वो भी आप लोग देख सकते हो, इतना सुंदर है, इतना ब्यूटीफुल है। और भी बहुत सारा कुछ आप लोगों को इस वीडियो में आज दिखना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हम एक एक करके यहाँ पर उठ रहे हैं। यहाँ पर टी के पत्तियाँ, यहाँ पर देख सकते हो ट्री देख सकते हो, तो इतना सुंदर नज़ारा है, बहुत ही सुंदर। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो कि सारा यहाँ पर वो बॉयज़ और गर्ल्स यहाँ पर आ चुके हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो जैसे कि ट्री के ऊपर वो बाढ़ से रहते हैं ना, तो उसी तरह ट्री गार्डन के अंडर में इधर जो बॉयज़ और गर्ल्स है बहुत अच्छा लग रहा है देखने के बाद। तुम लोग बोलो, तुम्हें ये पिकनिक पे आके क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर, बोरिंग लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। बाकियों को क्या लग रहा है बोलो सर? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर, इतना सुंदर नजारा है बोलो। तो अभी फोटो सेशन चल रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हो कि क्लास 6-10 सभी क्लासेस के जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी फ़ोटो उठने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो सभी मैम भी सर भी सब एक साथ है और हम यहाँ पर फ़ोटो उठ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो बहुत अच्छा लग रहा है। और तुम क्या कहना चाहते हो बोलो, कुछ कहना है किसी को? बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, बहुत अच्छा जगह है वैसे, टी गार्डन बहुत अच्छा है। तो क्या अच्छा नहीं लगा बोल दो? अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा, एक तो फ्रेंड्स के साथ आके, दूसरा टीचर्स के साथ। हाँ, टी गार्डन भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर ये जो जगह है ये थोड़ा हरियाली है, हरियाली, हाँ हरियाली है, बाकी अच्छा है। किसी भी जगह पे जाओ अगर शुक्र करोगे ना तो उसी में बहुत अच्छा लगेगा। तो अभी देख सकते हो कि सारे स्टूडेंट्स यहाँ से अभी इधर आ रहे हैं और इधर देख सकते हो कि एक छोटा सा नन्ना सा एक ब्रिज है, तो इसको पार करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो एक एक करके सभी जाएंगे, एक एक करके सभी जाना। ठीक है, एक एक करके ये छोटा सा नन्ना सा ब्रिज पार करेंगे सभी और उसके बाद उधर जाएंगे। एक एक करके इधर देख रहे हो कि स्टूडेंट्स एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा नज़ारा है इधर, एक एक करके जाओ, एक एक करके। अभी देख सकते हो सभी एक एक करके इधर से जा रहे हैं ब्रिज से। तो दोस्तों देख सकते हो कि हमने अभी खाना वाना खा लिया है और हमारे साथ देवजीत सर भी है। देख सकते हो खाना खाने के बाद हमारा जो पेट है कितना भरा चुका देख सकते हो। तो हम खाना वाना खाने के बाद अभी फिर से थोड़ा गम में जा रहे हैं। खाना इतना स्वादिष्ट था कि पूछो मत आप।
उंगलियां चाटते रहोगे। हाँ हाँ, इतना ज्यादा अच्छा लगा और पेट भर के हमने खाया। एंड यहाँ का व्यू आप मैं तो जरूर रेकमेंड करूंगा कि एक बार आप जरूर यहाँ आना, बहुत ही अच्छा है। बैकग्राउंड कैमरा से भी दिखाऊंगा यहाँ का, दिखे व्यू थोड़ा दिखाइए उनको। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर कितना अच्छा व्यू है, ठीक है। तो पहले जब हम आए थे, आने के बाद उधर थे, ठीक है, उधर थे हम। तो फिर से वहाँ पर हमारे जो मैडम है, मैडम लोग कुछ इधर आए थे और आने के बाद बोला था कि इधर अच्छा व्यू है। तो अभी खाना खाने के बाद फिर से हम भी इधर आ गए हैं और वो सामने यहाँ पर देख सकते हो हमारे स्कूल के जो स्टूडेंट्स, तो वो यहाँ पर खाना खाने के बाद आए हैं, ठीक है। तो हम भी उधर जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, इतना ग्रीनी ग्रीनी लग रहा है पूरा इलाका। और रास्ता भी देखो ना कितना सीधा स्ट्रेट, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मोबाइल से क्या करोगे, अभी तो तुम उठ रहे हो सभी, काला चश्मा लेके सामने जाओ। कैसे हो, कैसे हो, अच्छे हो सर। खाना कैसा लगा, अच्छा लगा, गुड गुड गुड, कितना अच्छा, दिखाओ हाथ से, इतना अच्छा सर, बहुत अच्छा, यस सर, बहुत अच्छा हुआ, इसलिए ज्यादा खाना चाहता था और ज्यादा नहीं खा पाया इसलिए गिरा दिया उधर। थोड़ा खाया है सर, तो सर हम लोगों ने गिराया नहीं, वो बड़ी क्योंकि मैंने गिरा दिया, इसे तो मेरा सर मैंने अच्छा नहीं लग रहा। सर खाना नहीं गिराते, खाना नहीं गिराते पता है, लेकिन ज्यादा दे दिया सर, मुझे भी ज्यादा दे दिया, मुझे नहीं दिया थोड़ा, इसलिए तो मम्मी भी दिखेंगे तो बोलो खाना वाना खा के कितना वो फीलिंग हुआ। ताजा ताजा हो गए, अभी थोड़ा शरीर में शक्ति आया, सुबह को कुछ खा के नहीं आए थे, अचानक खाना खाना बहुत अच्छा था, इसलिए तो हमने देखा कि इतना समय लगा दिया खाना खाने में। 5 मिनट खाया, 10-15 मिनट खाया, और जो लड़के जो है ना वो सिर्फ 2 मिनट के अंदर अंदर उनका खाना खत्म हो गया। वो हम देखा था आपका कितना समय लगा, हमने नहीं, वो जो तुम्हारे जो स्टोरी वो जो क्या बोलते हैं, मुझे तो दुख रहा है, वो पूरा नहीं गिराना पड़ा। हम लोग लड़की है ना कुछ धीरे खाते है, थोड़ा इसे लेजी करना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा लेट गया, हम लोग थोड़ा डिजाइन बनना पड़ता है। खाना ज्यादा खाना वो बुरी बात नहीं है, जितना वो पेट में चाहिए वो तो खाना पड़ेगा ना। थैंक यू सो मच, फाइनली हमारा जो एजुकेशनल ट्रिप था अलून नेशनल स्कूल की तरफ, तो वो जगह अभी ख़त्म हो चुका है और पीछे आप लोग देख सकते हो कि सारे स्टूडेंट्स टीचर सभी अभी यहाँ से इस स्पॉट से जा रहे हैं वो एसटीसी की तरफ, और एसटीसी में उठने के बाद हम फिर से हमारे स्कूल में या हमारे घर में चले जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।